साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। पटना सिटी के माल सलामी थाना इलाके के मछुआ टोली इलाके से देशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। सिमली इलाके में शराब पीकर हंगामा करने वाले तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके में बंद पड़े घर में बाइक समेत लाखों की चोरी। दिल्ली में रहते हैं घर के सभी लोग। भोजपुर के बिहिया में बीती रात बारात लगने के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक बुजुर्ग गोली लगने से जख्मी। बुजुर्ग को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में शादी समारोह में बारात जाने के दौरान हुआ विवाद। एक युवक की जमकर पिटाई कर उसे किया गया घायल। युवक इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। खगड़िया के परबत्ता थाना इलाके के सलारपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर दो भाइयों में झड़प। गोलीबारी की घटना में एक महिला जख्मी हुई। विक्रम एक मृत युवक के जीवित होने के शक में ग्रामीण शव को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने फिर से उसे मृत घोषित कर वापस भेजा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना इलाकों में छापेमारी कर 10 अपराधियों को धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों में कुख्यात शातिर अपराधी राम नरेश सहनी भी शामिल। मधेपुरा में घर में पड़ा मिला महिला का शव। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका पुलिस ने हत्या के एक आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाया। 9 महीने पहले लड़की की शादी तुड़वाने के संदेह में दो पक्षों के बीच हुई थी हिंसक झड़प। दुमका में चर्चित दीप श्रीवास्तव मौत की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 कार, 1 मोबाइल और शराब की बोतल को बरामद किया। धनबाद के केंदुआडी थाना इलाके के गनसाडी में पुलिस ने की छापेमारी। 25 से 30 टन अवैध कोयले को जब्त किया गया। राजधानी रांची के डुमरदगा स्थित संप्रेषण गृह में बाल कैदियों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। इस झड़प में कई बाल कैदी घायल। गुमला जिले के प्रसिद्ध बाबा टांगीनाथ धाम की जर्जर सड़क का जीर्णोद्धार होगा। सड़क निर्माण से संबंधित डीपीआर को केंद्र के पास भेजा गया। सिमडेगा के बानो इलाके में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने 2 घरों को किया क्षतिग्रस्त तो घर में रखे अनाज को चटकर गए। खूटी में स्ट्रीट चिल्ड्रन को मुख्य धारा में लाने के लिए काम शुरू। तोरपा के 3 और खूटी के 2 बच्चों के लिए चाइल्डलाइन और बाल संरक्षण विभाग सहित कई विभाग काम में जुटे। लोहरदगा सदर प्रखंड के ब्रमडीहा करंज टोली में एक घर की नींव खुदाई के दौरान लोहे के पुराने औजार मिले। तीर धनुष भाला बर्छा कुल्हाड़ी के साथ कई औजार मिले। जमशेदपुर जिले के आजाद नगर की सड़क की बदहाली से लोग परेशान। पाइपलाइन से सड़कों पर जमा हो जाती है पानी। सड़कों की बदहाली के कारण कई लोग होते हैं हादसे का शिकार। दोन इलाके में शादी समारोह में जा रही एक स्विफ्ट कार पहाड़ी नदी में डूब गई। गाड़ी में 5 लोग सवार थे जिन्हें सुरक्षित ग्रामीणों के सहयोग से बचा लिया गया। भागलपुर के खानपुर पंचायत में मनरेगा योजना में हुए घोटाले को लेकर की जा रही है जांच। पंचायत समिति के सदस्य ने बीडीओ को लिखित आवेदन देकर जांच की मांग की। बांका के चांदन प्रखंड के सिलजोरी पंचायत में पैक्स अध्यक्ष नहीं ले रहे हैं धान। नाराज किसानों ने डीएम से शिकायत की। पर्यटन मानचित्र पर स्थापित होगा झारखंड। सीएम हेमंत सोरेन ने संकेत दिए फॉसिल्स से साहिबगंज को मिलेगी पहचान। जीवाश्म को किया जा रहा है संरक्षित। राजधानी पटना में सर्दी का सितम जारी। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। पटना के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार। एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ 88। पर्टिकुलर मैटर में भी जबरदस्त सुधार। रांची सहित सूबे के कई इलाकों में मौसम साफ। न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट। बिहार में घट रहा है कोरोना का दायरा। पिछले 24 घंटे में मिले 442 नए केस तो 761 मरीज हुए स्वस्थ। बिहार में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 2916। झारखंड में घट रहा है कोरोना का दायरा। 24 घंटे में राजधानी रांची से मिले 90 कोरोना पॉजिटिव। राज्य में मिले 449 कोरोना संक्रमित तो 2 संक्रमितों की मौत हुई। देश में 169 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में 1,46,00,000 से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगी। 10 जनवरी से जारी बूस्टर डोज अभियान। केरल ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। यात्रियों को कोविड स्वलक्षण निगरानी से गुजरना होगा और लक्षण पाए जाने पर आरटीपीसीआर जांच करवानी होगी। तमिलनाडु में 15 से 17 साल के 80% बच्चों को पहली कोरोना डोज लगी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 4,88,000 के पार।
दिल्ली में कार में अकेले यात्रा करने पर मास्क लगाना अनिवार्य नहीं, डीडीएमए की बैठक में फैसला हुआ। निजी संस्थानों में 50% सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर होगी, एनएमसी ने जारी किया निर्देश। गुजरात में घोषणा की गई कि कल से स्कूल खुलेंगे, पहली से नौवीं क्लास के स्कूल खुलेंगे, कोरोना संक्रमण पर कमी के बाद फैसला लिया गया। नीट पीजी की परीक्षा इस बार 12 मार्च के बजाय 21 मई को होगी, आधिकारिक वेबसाइट पर 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कई बड़े पदों पर जारी की वैकेंसी, आधिकारिक साइट पर 28 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। अभिषेक बच्चन ने फिल्म घूमर की शूटिंग शुरू की, अभिषेक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। करिश्मा तन्ना वरुण बंगेरा की शादी की तस्वीरें सामने आई, ब्राइडल लुक में एक्ट्रेस की तस्वीरें वायरल हुई। तेलुगु अभिनेता रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी हिंदी में भी हो रही है रिलीज, 11 फरवरी से सिनेमाघर में दिखेंगी खिलाड़ी। बॉबी देओल की नई फिल्म लव होस्टल 25 फरवरी को होगी रिलीज, पहले यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होनी थी लेकिन कोरोना संकट के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 को ओटीटी प्लेटफॉर्म ने खरीदा, 30 करोड़ में हुई डील, 25 मार्च को होगी फिल्म रिलीज। भारत ने जीता अंडर 19 विश्व कप 2022 फाइनल मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, 48वें ओवर में हासिल किया 190 रन का टारगेट। भारत की जीत के नायक रहे ऑलराउंडर राज बाबा, पहले 31 रन देकर 5 विकेट लिए, फिर खेली 35 रनों की अहम पारी। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने 5वीं बार जीता खिताब, कप्तान यश ढुल ने कहा यह हमारे लिए गौरव की बात। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज, आज भारत का ये वनडे में 1000वां मुकाबला। भारत की टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है, इस जीत से झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों में भी उत्साह की लहर। विंटर ओलंपिक्स कवर कर रहे रिपोर्टर के साथ चीनी सुरक्षा कर्मियों ने भत्सलूकी की, लाइव ब्रॉडकास्ट में रिपोर्टर को घसीटा। कनाडा में विंटर ओलंपिक्स के खिलाफ सड़कों पर उतरे तिब्बत उइगर प्रदर्शनकारियों ने कहा तिब्बत में अत्याचार बंद करो। पोलैंड पहुंची अमेरिकी सेना को की बख्तरबंद गाड़ियां, अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी ने पोलैंड के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। डेनमार्क का फेमस लाइट फेस्टिवल शुरू हुआ, कोरोना नियमों के बीच 27 फरवरी तक जारी रहेगा फेस्टिवल। कनाडा में पिछले 8 दिन से ट्रक ड्राइवर का विरोध प्रदर्शन जारी, अनिवार्य कोरोना वैक्सीन के विरोध में सैकड़ों ट्रक ड्राइवर विरोध में टोरंटो पहुंचे। बोलिविया में भारी बारिश और लैंडस्लाइड, 60,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित।